बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी तासीर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 90 डिग्री शूटिंग किस तरह कर सकते हैं। हाउ कैन यू शूट योर स्लिंग शॉट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि आपका 90 डिग्री एंगल होता कौन सा। जब आप स्लिंग शॉट चलाते हैं तो आपका 90 डिग्री एंगल कौन सा होता है और ये किस तरह आप इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 90 डिग्री जो एंगल है वो ये वाला है। ओके, ठीक है। इसका जो रेफरेंस पॉइंट है ये स्टार्ट होता है हमारा 0 डिग्री बिल्कुल ग्राउंड से। इधर से जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इधर आएगा, तो ये 90 डिग्री एंगल इसका कवर होगा। ओके, तो ये 90 डिग्री का इसका रेफरेंस पॉइंट ज़मीन से स्टार्ट होता है और इधर आता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ओके, अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्लिंग शॉट को 90 डिग्री ग्रिपिंग किस तरह करनी है। ठीक है, ये आपको आई होप नज़र आए। ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको। ना आपने ऐसे करनी ग्लेल, ना आपने ग्लेल ऐसे करनी है, और आपने रखनी ग्लेल बिल्कुल सीधी। ठीक है, आई होप सो कि आपको नज़र आ रही हो। ये देखें ज़रा, ठीक है ना, ये बिल्कुल सीधी आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो वो आप रिमूव कर ले। ठीक है, तो फिर ये आपकी 90 डिग्री एग्जैक्ट एंगल पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हियर योर 90 डिग्री एंगल। ओके, तो ये पहला स्टेप है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप ये है कि आपका एंकर पॉइंट कौन सा होना चाहिए 90 डिग्री पे। ठीक है, तो 90 डिग्री पे आपका एंकर पॉइंट दूर के टारगेट के लिए, नज़दीक के टारगेट के लिए, अप और डाउन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एंकर पॉइंट जब करना है तो आपने स्लिंग शॉट को लोड करना है। हेज जो एमओ ये है 6.37 mm। ओके, और ये आपने कर लिया लोड इसमें। तो जब आपने स्लिंग इसको लोड करना है तो फिर ये आपका जो है ना, ये आपका एमओ पाउच में बिल्कुल इस जगह पे होना चाहिए। ठीक है, सेंटर में। ना आपने स्लिंग शॉट को पाउच के ऐसे करना है और ना आपने पाउच को इस तरह करना है। ठीक है, आपका पाउच बराबर होना चाहिए बिल्कुल दोनों तरफ से। ओके, आई होप सो कि आप इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने पकड़ लिया। ठीक है, तो आपने अभी इसको पकड़ना, ग्रिपिंग किस तरह करना है पाउच को। ये आपका थंब और ये आपकी फ्रंटल फिंगर। ओके, तो आपने इसको थंब और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आपके ये फिंगर और ये थंब इधर। ठीक है, ये आपने ग्रिप करना है इस तरह। ठीक है, तो अभी आप 90 डिग्री अगर आप स्लिंग शॉट चला रहे हैं तो आपके एवरेज डिस्टेंस के लिए जो आपका एंकर पॉइंट है वो है ये वाला, ये लिप्स और नोज़ के बिल्कुल दरमियान। ठीक है, ये नोज़ और ये लिप और इनके बिल्कुल दरमियान में जो एरिया है ये है जॉज का एरिया। ठीक है, तो ये जॉज के एरिया में एग्जैक्टली आपने इसको ड्रॉ करना है। ओके, ये आपने एवरेज डिस्टेंस के लिए कर रही है ड्रॉ। ओके, अच्छा, तो अभी अगर आप इसको फार डिस्टेंस है, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, आप थोड़ा दूर निशाना लगाना चाहते हैं, तो फिर आपने आपका एंकर पॉइंट थोड़ा सा आएगा चिन तक, या फिर चिन से थोड़ा सा ऊपर, 1 cm या 1.5 cm या 2 cm ऑलमोस्ट आपने नीचे करना है। तो अगर बहुत ज़्यादा दूर आपने निशाना लगाना तो फिर आपका चिन पे आ जाएगा, चिन से थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, मैं अब दूर निशाना लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। ओके, और आपका फिर जो है ना, फिर आपने जब नज़दीक लगाना टारगेट तो फिर आपका जो एंकर पॉइंट होगा वो आपका ऊपर आएगा। ठीक है, ये अगर आप नज़दीक लगा रहे निशाना तो ज़ाहिर सी बात है इसने का जो एंकर पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, एथमाइड बोन पे, आपकी जो फिशल बोन है ना ये वाली, इस एरिया में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एंकर पॉइंट नज़दीकी टारगेट के लिए। और अभी ना, और जो है आपका थर्ड जो है ना, आपने इसको स्लिंग शॉट को रिलीज़ किस तरह करना है। ठीक है, आपने स्लिंग शॉट को लोड भी कर लिया, आपने इसको एंकर पॉइंट पर भी लिया है, और थर्ड स्टेप आपका ये है कि आपने स्लिंग शॉट को जो है ना वो आपने रिलीज़ किस तरह करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने जब स्लिंग शॉट को रिलीज़ करना है तो आपका रिलीज़ हमेशा क्लीन होना चाहिए। ओके, ये देखिए ज़रा, ये आपने ड्रॉ करके ये देखें, ये है आपका एंकर आपका रिलीज़। ठीक है, आपका ड्रॉ और आपका रिलीज़ दोनों ही क्लीन होने चाहिए ताकि आपका आपकी जो है ना वो एमिंग में कोई प्रॉब्लम ना बने। ओके, ये मैंने की ड्रॉ, ये मेरे एंकर पॉइंट भी आई। ठीक है, और मैंने ये अब छोड़ दी। ठीक है, तो ये रिलीज़ क्लीन है। ठीक है, इस तरह नहीं करना, आपने ये जर्क्स नहीं देने, डोंट जर्क योर स्लिंग शॉट। ओके, वाइल यू आर शूटिंग नज़दीक या फिर दूर पे अगर आप लगा रहे हैं निशाना तो आपने जर्क नहीं देने। ओके, तो अभी जो है आपका रेफरेंस पॉइंट 90 डिग्री पे, आपका रेफरेंस पॉइंट कौन सा होना चाहिए वो है मैं आपको बताता हूँ। आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, ये वाला। ठीक है, आपका रेफरेंस पॉइंट होता है ये वाला, समटाइम ये होता है, ये होता है। ठीक है, या फिर इससे 1 cm या 0.5 cm के ऊपर होता है इस एज से। ठीक है, ये जो मेरे भी लेफ्ट हैंड में स्लिंग शॉट है तो इसका लेफ्ट एज जो होगा ना स्लिंग शॉट का, इसका ये वाला एज है, या फिर इससे 1 cm या इससे 1 cm नीचे। ठीक है, तो ये आपका एंकर पॉइंट बनता है, सॉरी आपका रेफरेंस पॉइंट बनता है। ठीक है, तो आपने इस रेफरेंस से स्लिंग शॉट को चलाना है। ओके, ये देखें, अभी ये अभी कैमरे की बिल्कुल आ रही नज़र में,
ये मेरा एंकर पॉइंट इस वक्त बन रहा है ये वाला, ठीक है, इसका बिल्कुल एज है, ठीक है। तो ये इसका एंकर पॉइंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ पॉइंट ऑफ विजन से कि आपका एंकर पॉइंट आपको टारगेट को आपका रेफरेंस पॉइंट जो आप टारगेट को लेंगे तो आपने वो किस तरह लगाना है। ओके, मैं आपको पॉइंट ऑफ विजन से दिखाता हूँ। ओके, हियर इज माय टारगेट। अब जैसे जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये सामने वाला, ठीक है। तो अभी 90 डिग्री पे आपका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो है ये वाला। ओके, ये जो इसकी साइड वाली एक साइड पे ये जो है ना ये वाला इसका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो अभी इसको आपने इधर रख के जो शॉट लेना है, आपकी आँख और ये आपका टारगेट है, इन दोनों की जो रिलेटिव मोशन है जब जीरो हो जाती है तो आपका टारगेट आपका सीधा हो जाता है, तो आप तब इसको रिलीज़ करते हैं तो आपका टारगेट लग जाता है। ओके, अगर आपका मेरे रेफरेंस बताए हुए रेफरेंस पॉइंट पे अगर आपका निशाना फिर भी नहीं लगता, आप कहते हैं कि भाई साहब आपका रेफरेंस पॉइंट ये है या ये है या इससे एक से आधा इंच हमने ऊपर रख के लगाया तो फिर भी हमें रेफरेंस पॉइंट नहीं मिला, तो क्या क्वेश्चन ये, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपकी स्लिंग शॉट में, ठीक है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें कि आपकी जो रबड़ की टैपरिंग है, टैपरिंग बोलते हैं रबड़ का एक तरफ से बारीक होना और दूसरी तरफ से मोटा होना, ठीक है। टैपरिंग इज़ ये है कि आप इस तरफ से बारीक और इस तरफ से मोटा, इसकी मेजरमेंट होती है, वो आपने मेजर करना है कि कितनी टैपरिंग है कौन से एमओ के लिए, ठीक है। तो अभी आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो एमओ आप यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली उस रबड़ की पावर के बराबर है कि नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये नहीं करना कि आपने पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी रबड़ की और उसमें आपने एमओ कर लिया छोटा, या रबड़ की पावर कम कर दी और उसमें आपने कर दिया एमओ को बड़ा, तो ठीक है, तो दोनों तरफ से आपका मसला बन जाएगा, तो फिर आपका जो है ना आपके रेफरेंस पॉइंट पर निशाना नहीं लगने वाला। ओके, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। ये देखें अभी रिलीज होगा क्लीन, ठीक है। अभी मैंने जो इसमें रबड़ लगाया ये 1 mm का रबड़ है, ठीक है। तो 1 mm के रबड़ में मैं यूज़ कर रहा हूँ 9 mm की गोली इसमें। ओके, इसमें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने 6 mm जो आपको दिखाई है वो इसके लिए नहीं, जस्ट आपको वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको दिखाई है। ओके, तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, ठीक है। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, वो मैंने पिन किया हुआ है, इसमें यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो काइंडली आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पर्सनली अगर आपने पूछना है तो, ठीक है। और बाकी जो है वो आपने कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। अगर कोई वीडियो बनवानी है आपके कोई क्वेश्चन पर तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों पे जो प्रैक्टिस ट्रिक्स मैंने बताई हैं इनको अपनी स्लिंग शॉट की जो है ना वो प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करें, और इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी जो है स्लिंग शॉट में प्रैक्टिस लेकर आएँ, तो आई होप सो कि आपका जो है ना 90 डिग्री एमिंग अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि 90 डिग्री हंटिंग करते हैं, शूटिंग भी करते हैं, और उन्होंने इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जो है ना वो अपने आप को बेहतरीन बनाया है, ठीक है। तो आप लोग भी करें इंशाल्लाह, आई होप कि आप भी उनमें जो है ना वो बेस्ट हो जाएंगे 90 डिग्री हंटिंग में और शूटिंग में। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक माई वीडियो। ओके।